हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज के समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। राहत की आहट, लगातार तीसरे दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं, ढाई माह बाद बनी ये स्थिति। हालांकि पॉजिटिव मिले 19, अब भी 29 संक्रमित मरीज भर्ती हैं कोरोना वार्ड में। वैक्सीन का जोर पकड़ता अभियान, एक दिन पूर्व मुस्लिम और हिंदू और विभिन्न धर्म गुरुओं प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी ने की थी बैठक, दिख रहा अच्छा असर। जलजमाव से जूझता दरभंगा, प्रदर्शन कर रही राजनीतिक पार्टी और विभिन्न संगठन भी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैट 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार आवास पढ़ा रहे युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। और समाचार विस्तार के साथ, लगातार तीसरे दिन कोरोना से कोई मौत नहीं और यह ढाई महीने बाद स्थिति बनी है, यह सुकून की खबर। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ तो एक या दो दिन रुका, और उसके बाद 13 अप्रैल से जो मौत का चक्र चला वह लगातार चलता रहा। 72 दिन के बाद एक सप्ताह पहले ऐसी स्थिति आई जब कोरोना वार्ड में एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर दो और तीन मौत के बाद दहशत। हालांकि 3 दिन से एक भी मौत नहीं, जबकि 29 मरीज कोरोना वार्ड में भर्ती हैं। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 2.5 दर्जन भर्ती हैं। पॉजिटिव की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, गुरुवार को 19 पॉजिटिव मिले। होली का 10 दिन बीता था, कोरोना ने कहर कोहराम दिखाना शुरू कर दिया और 8 अप्रैल को जो मौत हुई तो एक एक दिन रुक कर और इसकी कतार लगती गई। और वह 13 अप्रैल का दिन आया जहां से मौत का सिलसिला शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। 44 दिन बाद मुक्तिधाम की चिता एक दिन के लिए शांत हुई। 72वें दिन कोरोना के मौत के चक्र को थोड़ा एक दिन के लिए ब्रेक लगा, लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन बाद दो और तीन मौत से फिर दहशत। हालांकि 75 दिन के बाद स्थिति ऐसी है कि 3 दिन से लगातार एक मौत नहीं, ये आहट, ये सुकून की राहत और ये बनी रहे इसकी चाहत। लक्ष्य शून्य को हासिल करने के लिए कोरोना के चक्र को तोड़ना जरूरी। मौत का चक्र तो टूटा है, मुक्तिधाम के चिता के चक्र तो टूटी है, और ऐसी परिस्थिति में कब्रिस्तान में भी अब गड्ढे कम हो रहे हैं कोरोना मौत को लेकर। तो सुकून की आहट तो दिख रही है, लेकिन राहत तभी जब मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस बनाएंगे, एक दूसरे से दूरी का परहेज रखेंगे, अपनी जिंदगी को महत्वपूर्ण समझेंगे, दूसरे की महत्वपूर्ण जिंदगी को समझकर आपसी दूरी अभी वर्तमान में बनाना ये मजबूरी समझेंगे।
बहरहाल ये सिलसिला चलता रहे। अनलॉक डाउन 4 है जो 6 जुलाई तक है। अभी भी स्कूल कॉलेज से लेकर मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा के दरवाजे बंद है। ऐसी परिस्थिति में संभल संभल के फूक फूक के कदम रखना होगा, तभी जिंदगी की गाड़ी पुनः पटरी पर आने की संभावना। और बात करते हैं कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार टीकाकरण अभियान। और लगातार एक दिन पहले जहां जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में विभिन्न धर्म गुरुओं और धर्म प्रतिनिधियों ने कोरोना टीका को एक अभियान बनाकर मिलजुल कर इसे सफल बनाने का निर्णय लिया। लगातार चौतरफा सहयोग, आम नागरिक और प्रशासन मिलकर और कोरोना को हराने की तैयारी, इस मुहिम में एक अभियान बनाकर एक जन। कोरोना को परास्त करने के लिए 2021 में हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन। और इस अभियान को 100% सफल बनाने के लिए एक दिन पहले विभिन्न धर्म गुरुओं और प्रतिनिधियों के साथ जिला पदाधिकारी ने बैठक की। पहले से भी लगातार सहयोग मिल रहा और इस सहयोग ने जोर पकड़ा और अच्छी खासी संख्या में युवा से लेकर बुजुर्ग तक, महिला से लेकर पुरुष तक आगे आ रहे हैं। और 6 महीने में बिहार में 6 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। शहर को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा है और शहरवासियों के विभिन्न धर्मों के लोगों ने जिलाधिकारी को आश्वस्त किया कि लक्ष्य से ज़्यादा सफलता हासिल होगी। बहरहाल जिंदगी के इस जंग में कोरोना को हराने के लिए आपसी सहयोग, एक दूसरे का परस्पर सहयोग, चौतरफा सहयोग, तभी कोरोना को परास्त किया जा सकता है। अन्यथा 22 मार्च 2020 से जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन और लॉकडाउन में जिंदगी की गाड़ी बेपटरी हो गई है। 2021 में जो हैप्पी न्यू ईयर की जगह हैप्पी वैक्सीन ईयर आया और यह एक संकेत है, इसका सदुपयोग करें हम, तभी जंग जीती जा सकती है। और यह तूफान से ही मानसून प्री बारिश शुरू हुई तो मानसून आते ही लबालब हो गया शहर, कई जगह पानी ही पानी। राजनीतिक पार्टी से लेकर जो संगठन है, चाहे वह मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन हो, कांग्रेस पार्टी और विभिन्न पार्टी के लोग लगातार आंदोलन पर है। पालीराम चौक पर मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने धरना दिया। वार्ड नंबर 17 में आवाज उठी तो फिर वार्ड नंबर 25, 24 और 29 को लेकर कांग्रेस ने धरना दिया। कई वार्डों की समस्या गंभीर है, इसके प्रति सरकार और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। धरना का एकमात्र उद्देश्य है जल जमाव की समस्या से निदान। वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 4 में जो भयानक रूप जल जमाव की समस्या बनी, ये बरसात के कारण नहीं है, ये सालों भर ये जल जमाव की समस्या रहती है। जैसे वार्ड नंबर 29 में फैजुल्ला खां
उर्दू बाजार वार्ड नंबर 28 में मगलपुरा मौलागंज और गंगा सागर में पानी का जल जमाव सालों भर लगा रहता है और नगर प्रशासन इस पे चुप्पी साधी बैठी हुई है। ये भी एक बड़ा घोटाला है कि जब समय हो 90% नाला की सफाई का घोषणा कर दे और घोषणा के बाद अब सरसा पैसे की उगाही हो और सब आपस में बांटकर खाने का व्यवस्था कर ले। नगर प्रशासन को जागना होगा वरना शहर की जनता जाग गए तो नगर निगम का हाल बहुत खराब हो जाएगा। और जल जमाव से लगातार और सफाई से जूझ रहे नगर निगम और इस बीच एक ऐसी घटना हो गई, वार्ड नंबर 13 में सफाई कर्मी की पिटाई हो गई। इस संदर्भ में पार्षद और स्थानीय लोगों के समझाने पर भी जो आरोपित हैं वे नहीं माने और मामला नगर आयुक्त से लेकर थाना तक पहुंचा। और सफाई की समस्या को लेकर नगर निगम के कर्मचारी गोलबंद हो गए वार्ड नंबर 13 में। इनका आरोप है कि एक व्यक्ति ने इन्हें इनके कर्मचारी की पिटाई कर दी और उसके समर्थन में सारे लोग एकजुट हो गए। हालांकि वार्ड पार्षद ने भी समझाने की कोशिश की, मोहल्ले के आधा दर्जन लोगों ने भी, लेकिन उसके बाद भी वे नहीं माने और मामला नगर आयुक्त से लेकर विश्वविद्यालय थाना तक पहुंच गया। सफाई कर्मचारियों की पिटाई और अपमानजनक शब्द बोलने का आरोप वहां के सफाई कर्मी राम कुमार राम ने कठलवाड़ी के ही एक निवासी पर लगाया है और इस पर न्याय की मांग की है और गोलबंद हो गए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। सबका सम्मान है, हम भी सफाई कर्मी हैं और ऐसे और इस तरह की घटना घटती है तो कार्रवाई करे नगर आयुक्त या थाना। और हम हैं वार्ड के सफाई अधिदर्शक वार्ड नंबर 13 के, ये लोग वार्ड नंबर 13 के सफाई कर्मचारी हैं। आज जो है दिनांक 24/6 को कचरा उठवा रहे थे, कीपर से राजकुमार यादव जी आए और लाठी लेकर के आए। एकाएक हमारा लेबर सब काम कर रहा था, लेबर पर भी लाठी बरसाना चालू कर दिया, हम पर भी लाठी बरसाना चालू कर दिया। उसके बाद पब्लिक लोग आया, उसका लाठी पकड़ा, हट हटा किया, हम उसका वीडियो बना रहे थे, मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया, हमारा कॉलर पकड़ा और लेबर सबको भी भद्दी भद्दी गाली दिया सफाई कर्मचारी को। सवेरे से ही अपने अपने ड्यूटी पर लगे हुए थे और उसी समय कीपर वाले भी आ गए थे, तो कीपर वाले वहाँ वो कचरा उठा रहे थे वहाँ पे और ये सफाई अधिदर्शक जो है वो और मेरा एक जो हैंड ठेला लेकर के जो कचरा उठाता है राम कुमार राम नाम का स्टाफ है वो जो है वो भी जो है कचरा उठा रहा था। सड़क पर जो झाड़ू देके इकट्ठा था सो और डोर टू डोर वाला भी गाड़ी था तो ये कचरा उठा रहा था और कीपर वाले भी थे और वो सफाई अधीक्षक जो है वो मोटरसाइकिल से जो है हर राउंड गली में जो है वो राउंड लगा के चेक करता है कि वो मेरा जो सफाई कर्मी वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। यही दौरान में जो है ये जो वार्ड जिम्मेदार जो वहाँ गया है तब तक देखा कि वहाँ राम जो कचरा उठा रहा था उससे वो गाली मतलब गाली बक रहा था इसको और वहाँ और भी वार्ड के जो कुछ लड़के लोग थे वो लोग भी बोल रहा है कि काहे गाली बकरो। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। राहत की आहट, लगातार तीसरे दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं, ढाई माह बाद बनी है स्थिति। हालांकि पॉजिटिव मिले 19, अब भी 29 संक्रमित मरीज भर्ती हैं कोरोना वार्ड में। वैक्सीन का जोर पकड़ता अभियान, एक दिन पूर्व मुस्लिम और हिंदू और विभिन्न धर्म गुरुओं प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी ने की थी बैठक, दिख रहा अच्छा असर। जलजमाव से जूझता दरभंगा, प्रदर्शन कर रही राजनीतिक पार्टी और विभिन्न संगठन भी। बात करते हैं दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट कांड की। एक सप्ताह बीत गया, 17 जून को कपड़े के पार्सल के बंडल में हुए ब्लास्ट का कोई अब तक सुराग नहीं मिला और यह राजनीतिक मामला
पकड़ता जा रहा है, पूर्व पकड़ता जा रहा है। भाजपा के नगर विधायक संजय सरावगी ने अपने ही पुलिस पर सवाल उठाया, कहा क्या कर रही है पुलिस, अब तक कोई सुराग नहीं। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में सामान ब्लास्ट और उसके बाद इसके तार और राजनीति, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर और जांच में कुछ भी नहीं तो अपने ही सरकार और पुलिस पर जमकर बरसे नगर विधायक संजय सरावगी। कहा कि अब तक एक सप्ताह बाद भी स्पष्ट नहीं पता चल रहा है, यह एक गंभीर मामला है, गंभीर विषय है। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सवाल उठाया, भाजपा से नगर विधायक है संजय सरावगी, उन्होंने दरभंगा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया, का एक सप्ताह बीत गए हैं, जनता जानना चाहती है कि प्रगति क्या है। पार्सल में ब्लास्ट होना कोई क्लेमेंट उस पार्सल का नहीं है, जो लोगों ने बुक किया वही रिसीवर भी, उसका नाम था, मोबाइल नंबर कहीं दूसरे राज्य का है जो दिया हुआ है। दरभंगा पूर्व में सेंसिटिव रहा है, दरभंगा मोदलिया यासीन भटकल का तार साथ कई माह तक यासीन भटकल रहा है, एक लाइब्रेरी से की भी गतिविधि संलिप्तपुर में मिली है, कई लोग जो आतंकवादी घटना में संलिप्त इस देश में रहे उनका तार यहाँ से मिला है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद महानगरों में ब्लास्ट या आतंकवादी घटनाएं, ये तो बीसों दिन की बात होगी, लेकिन इसी माह एक साल पहले भी ब्लास्ट हुआ था, बड़ा ब्लास्ट हुआ था आजम नगर में दरभंगा के, वहां भी बहुत सारे अगल बगल के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। अभी बांका में एक धार्मिक स्थल का बम ब्लास्ट हुआ, पूरा ध्वस्त हो गया, और इसको जांच कर रही है बिहार पुलिस, कर रही है रेल पुलिस, कर रही है एटीएस के अधिकारी, कर रहे हैं सभी लोग कर रहे हैं, तो ये कमजोर फलाफल इसका नहीं निकलता है, तब तो कुछ भी कहना जो है मुश्किल है। जिस टाइप का वो ब्लास्ट था वो भी अपने आप में जो चिंता जाहिर करता है, इसलिए जो है इसकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर और जल्द से फलाफल आवे, हम लोग यही चाहते। दरभंगा पूर्व से संवेदनशील रहा है, नेपाल के बॉर्डर के कारण यहाँ की गतिविधियां पूर्व में एनआईए को मिला था। और बात अब करते हैं, लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जाम से जूझ रहे दरभंगा के एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर सड़क किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण, एक अभियान चलाया गया और कई वाहनों को जब्त किया। और जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद अनलॉक डाउन चार चल रहा है, सड़कों पर वाहनों की भीड़ लग रही है और ऐसे में वाहनों की चेकिंग और जगह जगह जाम जहां हो रहा है वहां से वाहनों का धरपकड़ अभियान भी, नो एंट्री पर भी कार्रवाई, यह कार्य लगातार वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चल रहा है, ट्रैफिक पुलिस इसमें लगातार सक्रिय है। आज 11 बजे से 12 बजे तक वरीय पुलिस अधीक्षक के महोदय के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क के किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था, जिस क्रम में लोहिया चौक से लेकर के दारू भट्टी और शैद नगर तक मेरे द्वारा यातायात थाना को साथ लेकर के अभियान चलाया गया। रेलवे के मेला रैक पॉइंट पर गेहूं लदा एक ट्रक पलट गया, इसकी वजह से एक बड़ा जानलेवा हादसा होते होते बचा। रेलवे में लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिससे सड़कें बेतरतीब हो गई है और यहां लगातार गेहूं लदा ट्रक आ जा रहा है और एक ट्रक ऐसा फंसा, ऐसा पलटा कि उसकी जद में कई मजदूर आ जाते, लेकिन संजोग अच्छा रहा जो जान की क्षति नहीं हुई। यहाँ हर दिन अनाज लदे ट्रक गुजरते हैं लेकिन सुरक्षा के इंतजाम काफी कम। मेला रैक पॉइंट है, यहाँ पर आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यहाँ कार्य हो रहा है रेलवे का, लेकिन कार्य के अंतर्गत जो होना चाहिए गड्ढा जो जहाँ खोना जाता है ना वो भाड़ा गया है, सिर्फ गड्ढा खोन के छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से आज सामने देखिए आपके रेलवे द्वारा खोड़ा जाता है। अच्छा। अब मान लिया काम हो रहा है तो एक साथ दोनों काम तो संभव है नहीं, या तो आप इसको बंद कर दीजिए या उसको बंद कर दीजिए, कोई मेटरेबल चीज़ दीजिएगा तभी तो वहाँ गाड़ी चल पाएगा। यहाँ कोई ऐसा सुविधा नहीं है, लेबर लोग का कहना है नहीं, यहाँ पानी का व्यवस्था है, आए दिन यहाँ दुर्घटना होने की चांसेस बनी रहती है। आप लोग शिकायत किए?
हजारों बार करके थक चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं। मजबूरन हम लोग को अब स्ट्राइक करना पड़ेगा। हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो सुरक्षा की जवाबदेही रेलवे सुरक्षा बल की। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, मैं तत्काल घटनास्थल पर अपने फोर्स के साथ यहाँ पहुँच गया। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ ट्रक पलटी है। कैसे पलट गए? यहाँ चूंकि वार्फ के किनारे जो है गड्ढे बने हुए हैं, जिसके सहारे ट्रक जा रही थी, गड्ढे में ट्रक का चक्का जाने के कारण ट्रक पलट गई। और बात कुरान खानी फातिहा और चादरपोशी की, साथ में जमायतुल वाजिदिया मूसापुर तरौनी में हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी रहमतुल्लाह अलैह का तीसरा सालाना उर्स मनाया। और बात उर्स की, कुरान खानी फातिहा और चादरपोशी मूसापुर तरौनी में अमीन सरियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी रहमतुल्लाह अलैह का तीसरा सालाना उर्स। राहत की आहट, लगातार तीसरे दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं, ढाई माह बाद बनी ये स्थिति। हालांकि पॉजिटिव मिले 19, अब भी 29 संक्रमित मरीज भर्ती हैं कोरोना वार्ड में। वैक्सीन का जोड़ पकड़ता अभियान, एक दिन पूर्व मुस्लिम और हिंदू और विभिन्न धर्म गुरुओं प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी ने की थी बैठक, दिख रहा अच्छा असर। जलजमाव से जूझता दरभंगा, प्रदर्शन कर रही राजनीतिक पार्टी और विभिन्न संगठन भी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, अनलॉकडाउन 4 चल रहा है। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो कोरोना वैक्सीन जरूर लगाइए। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जिंदगी की अहमियत समझिए। नमस्कार, जय हिंद।